सुना है सिंडिकेट बैंक एमएसएमई स्कीम के अंतर्गत कम ब्याज पर आसान किस्तों में बिना किसी झंझट के लोन उपलब्ध करा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। आज और अभी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नजदीकी सिंडिकेट बैंक शाखा में संपर्क करें या ऑनलाइन अप्लाई करें। शर्तें लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का गिरना अब तय हो गया है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के लिए आज अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे और माना जा रहा है कि वह अपना रंग होली के मौके पर बदलना चाहते हैं। होली के तुरंत बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा से केंद्र में लाया जाएगा और आने वाले समय में उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। दिल्ली मामले के शांत होते ही अब उसमें हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हाल ही में गुरु तेग बहादुर अस्पताल ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली मामले में प्रभावित सबसे ज्यादा 20 से 34 साल की उम्र के युवा हैं। होली का पर्व आज देश सहित दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। रंगों के इस उत्सव की छटा आज देखते ही बन रही है और हर तरफ रंग गुलाल उड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाला आईफा अवार्ड समारोह को टाल दिया गया है, तो वहीं अभी आयोजन की अगली तिथि को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि आईफा समेत देश और दुनिया भर में कई बड़े आयोजन एक एक कर कोरोना को लेकर टाले जा रहे हैं। यस बैंक के खाता धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल सूत्रों के माने तो आरबीआई यस बैंक के खाता धारकों को 50,000 रुपए निकालने की लिमिट जल्द खत्म कर सकती है। गौरतलब है कि आरबीआई ने गुरुवार को यस बैंक से 3 अप्रैल तक 50,000 रुपए निकलवाने की लिमिट तय की है। आरबीआई ने ट्वीट कर कहा कि आरबीआई सभी बैंकों की करीबी से निगरानी करता है। जमाकर्ताओं को यह आश्वासन दिया जाता है कि किसी भी बैंक में जमा उनकी जमा पूंजी पर कोई समस्या नहीं है। गौरतलब है कि पीएमसी बैंक और हाल ही में यस बैंक में हुए मामले को लेकर जमा पूंजी पर चर्चा इन दिनों जोरों पर है। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल के बीच प्रदेश के एक निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह शेरा ने संकेत दिया है कि होली के बाद उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाने वाला है। हालांकि विधायक ने साफ कर दिया कि अभी तक इस बारे में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम परीक्षा 2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी 4 मार्च 2020 से बीए, बीएससी, बीकॉम पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मेघालय के राज्यपाल तथागत राय ने यह कहकर एक बार फिर चर्चाओं को हवा दे दी है कि मेघालय के गैर आदिवासियों की स्थिति 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों की तरह है। गौरतलब है कि राज्यपाल तथागत राय हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। पुणे के रहने वाले आदित्य तिवारी, जिन्होंने 2016 में डाउन सिंड्रोम से प्रभावित एक बच्चे को गोद लिया था, उन्हें बेस्ट मम्मी ऑफ द वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया। आदित्य तिवारी मानते हैं कि पेरेंटिंग जेंडर आधारित काम नहीं है। सीबीआई ने डीएचएफएल द्वारा यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर के परिवार को कथित रूप से 600 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के मामले में 7 स्थानों पर तलाशी ली है। गौरतलब है कि यस बैंक की इन दिनों चर्चा जोरों पर है और बैंक पर आरबीआई ने कई रोक लगा दी है। केरल में कोरोना के 6 ताजा पॉजिटिव मामलों के मद्देनजर जारी सख्त सरकारी दिशा निर्देशों का भक्तों पर कोई असर नहीं हुआ और लाखों महिलाओं ने प्रसिद्ध अट्टुकल पोंगल में भाग लिया, जो महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यस बैंक मामले में अभी कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, हमारी सरकार इस मामले में किसी भी जिम्मेदार को नहीं छोड़ेगी। चुनाव आयोग ने जेवीएमपी का भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएमपी का औपचारिक तौर पर बीते माह ही भाजपा में विलय हो गया था।
यस बैंक प्रशासन ने कहा कि हमारे लिए खाता धारक पहली प्राथमिकता है। वहीं यस बैंक के SBI में विलय को लेकर हो रही चर्चा के बीच बैंक ने कहा कि उसका विलय SBI में नहीं होने जा रहा है, बल्कि यस बैंक में SBI 49% तक हिस्सेदारी खरीद सकती है। वीवो ने पिछले साल भारतीय बाजार में सस्ता फोन वीवो Y91i लॉन्च किया था, जिसकी कीमत कम कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ग्राहक अब वीवो Y91i के 3GB रैम और 32GB स्टोरेज को 7,990 रुपए में खरीद सकते हैं, जबकि लॉन्चिंग के समय इस फोन की कीमत 8,490 रुपए थी। EPFO ने जानकारी दी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर और UAN अब सरकारी ई लॉकर सर्विस डिजी लॉकर में भी उपलब्ध होगा। इसके बाद EPFO सब्सक्राइबर्स अपना UAN और PPO डिजी लॉकर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। बिग बॉस 13 के रनर अप आसिम रियाज और बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का गाना मेरे अंगने में रिलीज कर दिया गया है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है। आपको बता दें कि टी सीरीज बैनर तले बने इस गाने में आसिम एक साधारण से लड़के बने हैं, जबकि जैकलीन 1435 के दशक की राजकुमारी बनी है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी तक कोरोना के 3 मामले सामने आए हैं और 1 मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए 25 अस्पतालों में 168 पृथक बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। देश में कोरोना के मामले को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में दलाई लामा टेम्पल और सिद्धबाड़ी स्थित ग्यूतो मोनेस्ट्री आम लोगों और सैलानियों के लिए बंद कर दी गई है। गौरतलब है कि कोरोना को लेकर दुनिया सहित भारत में भी चर्चा जोरों पर है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों और विभिन्न मामलों में दर्ज 91 प्रकरणों को राज्य सरकार वापस लेगी। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड जस्टिस AK पटनायक ने इसके लिए राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा भेज दी है। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।